गाइस, क्या हालचाल है सबके। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मेरे गेमिंग जो हेडफोन्स है, जो काफी लोगों ने कमेंट करके बोला था कि यार कौन से हेडफोन आप यूज करते हैं गेमिंग के दौरान। तो गाइस, आज हम लोग रिव्यू करने वाले उस प्रोडक्ट की का, और मैं ऑलमोस्ट दो से तीन मंथ हो चुके हैं मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, और सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में कंप्लीटली एक डिटेल्स में वीडियो दे दूं। क्या इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मोबाइल के लिए या पीसी के लिए, दोनों के लिए ये किस में कंफर्ट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कॉस्मेट बाइक के ओबरॉन 7.1 के जो हेडफोन आते हैं, इसकी कॉस्ट जो है अमेजोन पे ऊपर थोड़ी कम ज्यादा होती रहती, कभी ये 1500 रुपए में भी मिल जाते हैं, कभी आपको 2000 में भी देखने को मिलेगा, बट अभी जो रिसेंटली इसका प्राइस चल रहा है 1500 रुपया चल रहा है। क्या इसके अंदर इसको बाय करना जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, जब कुछ एडवांस देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं इस हेडफोन के बारे में, मैंने इसको 2 से 3 मंथ होने वाले हैं मुझे, मैंने कंटिन्यू इसको यूज कर रहा हूं, तो यहां तक मैं अगर रेटिंग की बात करूं 5 में से इसको मैं 4.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि गाइस ये जो हेडफोन है ना, चाहे आप साउंड सुन रहे, गाने सुन रहे हैं, जहां आप गेमिंग खेल रहे हो, आप किस भी यूज के लिए यूज करने वाले हो गाइस, ये गेम जो हेडफोन है आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस इनका जो प्राइस है, मैंने बोला कि 1500 रुपया अभी चल रहा है, 2020 का कभी कभी हो जाता है, बट 1500 रुपए या 2000 के अंदर अगर आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे को लग रहा है अगर आप 5 से 6 हजार के हेडफोन के साथ इसको कंपेयर करेंगे ना, तो गाइस फिर भी आपको लगेगा कि ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसकी क्वालिटी है, इसका जो साउंड है बहुत ही अच्छा है। फिलहाल पहले मैं आपको इसके थोड़ी सी डिटेल्स दिखा देता हूं, क्योंकि जब इसको आप बाय करेंगे इसके साथ साथ आपको क्या क्या मिल गया, इसकी केबल का क्या लेंथ है और कैसी क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको जो इसका बॉक्स है उसके ऊपर डिटेल्स मिल जाती है, और ये गाइस ये हर एक डिवाइस को, हर एक चाहे आप PSP 4 खेल रहे हो, 5 खेल रहे हो, तो गाइस उसके साथ से ये कम्फर्ट है, किसी भी डिवाइस के साथ अटैच हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं थोड़ा सा अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, फटाफट से निकाल लेता हूँ मैं इसको, जो है कि मतलब इतना ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको जब खोलोगे इसका बॉक्स, तो यहाँ पे आपको इसका स्टैंड मिल जाता है, जो कि एक मतलब पेपर का ही आता है इसको मैं बोलूँगा। सो गाइस, इसके बैक साइड पे आपको जो इसकी जो केबल्स है वो भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका लुक जो है, इस तरह से आप होल्ड करके इसको इसके स्टैंड पे ऊपर रख सकते हैं। तो बाकी का जो स्टॉप, मतलब जो इसका सामान है, वो आपको पीछे की साइड पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करूं गाइज इसके लुक के बारे में, तो गाइज इसका लुक बहुत ही प्रीमियम सा दिखता है, और यहाँ पे आपको कॉस्मेट बाइट के लोगों का जो नेम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, ये मेटल नहीं है गाइज, ये एक प्लास्टिक की तरह ही है, लेकिन मेटल के जैसी फील देता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक का, और ये जो RGB इसके अंदर जो ऑन होने वाली है, सो गाइज ये RGB को आप जो है मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिकली रहेंगी वो ही रहेंगी। और कुशन्स की बात करूँ, तो कुशन बहुत ही प्रीमियम लगते हैं इसके, और जो अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ आगे के कुशन्स की, जो एयर के ऊपर हमारे आने वाले हैं, सो गाइस बहुत ही अच्छे लगते हैं, और कुशन के मामले में मैं यही बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको कम्फर्ट देंगे। और वायर के बारे में तो भाई यही बोलूँगा कि ये वायर ऐसी है कि आप ट्रक के साथ भी डाल के इसको खींचोगे ना ट्रक को, तो वो भी टूटने वाली नहीं है। और यहाँ पे आपको कॉस्मेट बाइट के जो है इसके ऊपर जो कनेक्टर है, जो मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल रहता है, वहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको RGB ऑन ऑफ करने के लिए और माइक ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम रॉकर दिखता है जिससे आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, और नीचे की साइड आपको एक जैक देखने को मिलेगा जहाँ से आप ऑक्स लगा के अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, ये है ऑक्स, जो ऑक्स की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखती है, यहाँ पे आप जैक के अंदर इसको अटैच कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, इसका जो माइक है वो एक अटैचेबल है, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं और इसको लगा के भी रख सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप ऐसा ही सभी कंपनियों को दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप गेमिंग खेल रहे हो तो गेमिंग के टाइम पे ऐसे अटैच करके लगा सकते हो और निकाल कर रख सकते हो जब आपको साउंड वगैरह सुनना है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे इस माइक का। बाकी इसकी मैं केबल के बारे में यही बोलूँगा कि केबल का जो लेंथ है ना गाइस, वो सबसे हटकर है गाइस, मतलब इतना अच्छा लेंथ दिया है ना दोनों केबल का, चाहे मैं ऑक्स की मैं बात करूं या फिर इसकी जो USB केबल की मैं बात करूं, तो बहुत ही अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की जो केबल है ये इसकी जो आती है, जो कि एक अच्छी बात है। लेंथ के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से मुझे ये हेडफोन अच्छे लगे। अब RGB की मैं बात करूं, तो यहाँ पे RGB आप मोबाइल से भी कनेक्ट करके लगा सकते हैं, लेकिन USB के थ्रू ही आपको उसकी कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। अब मैंने इसको PC के साथ कनेक्ट किया है, बट इसकी जो RGB है वो ऑटोमेटिकली रन करती है, इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो है वो वैसे ही चलेगी।
गेम साउंड के बारे में मैं यही बोलूंगा कि गाइस यहाँ पे मैंने साउंड इनका सुना है, और जो साउंड इस हेडफोन का है गाइस इस प्राइस रेंज में, मैं सोच देखकर हैरान हूँ कि यार इतने कम प्राइस में हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का ये साउंड देता है। गाइस यहाँ पे आपको साउंड में कुछ भी निराशा नहीं होगी, जो इसका बेस निकल के आएगा ना बहुत ही अच्छा और लगा है, अच्छा लगा मतलब इतना लाउड नहीं होगा लेकिन ऐसा है कि आपके मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। गेमिंग के बारे में मैं बात करूँ तो गाइस कोई भी गेम लाइक हमें पता है कि हम लोग पबजी ही खेलने वाले हैं, और पबजी के अंदर गाइस इसकी जो परफॉर्मेंस है, एनिमी के जो साउंड है, वो जो फुटेज के स्कैन करते हैं हम, वो बहुत ही आसानी तरह से स्कैन कर पाएंगे आपकी कहाँ पे कौन सा एनिमी घूम रहा है, क्योंकि ये हेडफोन जो है बहुत ही अच्छे लगे मुझे। गेमिंग के लिए ही मैंने यूज़ किए हैं, तो पबजी के लिए मैं ज़्यादातर पबजी ही खेलता हूँ इसके ऊपर अपने पैड आईपैड के साथ अटैच करके। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली साउंड के मामले में, और आप अच्छी तरह से एनिमी के स्कैन कर सकते हैं वो कहाँ घूम रहा है। गाइस ये प्रोडक्ट की ये डिटेल है कुछ जो मैंने, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी ज्यादा हेडफोन्स के बारे में। मैंने ज्यादातर एक दो प्रोडक्ट की यूज किया है, बोट और जेबीएल, उसके अंदर मेरे को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, बट गेमिंग वाले हेडफोन मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने उनको बाय किया, और मुझे कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि यार पैसे वेस्ट हुए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, जो बेस आता है ना सॉन्ग का बहुत ही अच्छा सुनने को आता है ना, और इसका जो वेट है वो 300 ग्राम के आसपास है, आपको लगेगा ही नहीं, मतलब घंटों घंटों तक बैठ के यार आप गेमिंग कर सकते हो, आपके कानों में, आपके हेडेक में, सर में हेडेक वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही कंफर्ट के साथ ये प्रोडक्ट आता है। और मुझे तो सच्ची दिल से बोलूंगा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस प्रोडक्ट को यूज करके, और अगर आप में से कुछ लोग इसको बाय करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से मिलता है बाय कर सकते हैं। गेमिंग के लिए, मोबाइल के लिए बहुत ही बेस्ट है। मोबाइल में भी आपको बस यही है कि आपको थोड़ा आरजीबी देखने को नहीं मिलती, और अगर आप आरजीबी का चाहिए तो आपको उसके अंदर यूएसबी का जो कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, मोबाइल के अंदर आपको पता ही है उसके लिए कनेक्टर आता है जो आप यूएसबी के थ्रू लगा सकते हैं, यहाँ पे आरजीबी की ऑप्शन भी आपको ऑन होता है। आरजीबी सिर्फ ओनली पीसी के ऊपर ही ऑन होती है इसकी, बाकी आप मोबाइल और पीसी दोनों के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। सो भाई यही थी हमारी आज की ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।